अब खबरें विस्तार से। विशेष अदालत ने आज जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में चार दोषी आतंकवादियों को पर सजा पर बहस पूरी कर ली है और जिसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और कल यानी कि शुक्रवार शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले सजा के बिंदुओं पर आज कोर्ट में चर्चा की गई। इसमें दोषियों और आतंकियों के वकील ने चारों को सजा में रियायत देने की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने जज से मांग की कि दोषियों को कम से कम फांसी की सजा देने दी जाए। और वहीं मई 2008 को परकोटे में 8 जगह पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 185 लोग जख्मी हुए थे। बुधवार को कोर्ट ने मोहम्मद शेफ सैफुर रहमान और साथ ही सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था। इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था और 3 आरोपी अब तक फरार है जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली के जेल में बंद है। बाकी बचे हुए 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।